खान पान में मिलावट के मामले में एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। दरअसल खान पान केंद्रों पर मैनेजर का नाम करना डिस्प्ले अब होगा। प्रदेश में होटलों के खान पान की प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। होटलों के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में संशोधन के निर्देश दिए गए हैं। शेफ और वेटरों को मास्क ग्लव्स का प्रयोग करना होगा। तो ये तमाम निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में होटलों के खान पान की प्रतिष्ठानों की जांच होगी। इसके साथ होटलों के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में संशोधन के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। शेफ और वेटरों को मास्क ग्लव्स का प्रयोग करना होगा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, खान पान केंद्रों पर मैनेजर का नाम डिस्प्ले करना होगा। प्रदेश में होटलों के खान पान की प्रतिष्ठानों की जांच होगी। होटलों के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में संशोधन के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ा फैसला है जिसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। खान पान में मिलावट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। अपने संवाददाता अनुज कुमार का रुख करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, ये बड़ा फैसला है और इस के तहत निर्देश दिए गए हैं, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में संशोधन के निर्देश। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार मिलावट की जो खबरें आ रही हैं, जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर से जो खबर उठी है, उसके बाद तमाम तरह के प्रदेश में भी जांच को लेकर जो सुरक्षा, जो खाद्य सुरक्षा विभाग है वो अलर्ट रहा और एफएसडीए की टीम जो है वो प्रमुख मंदिरों के नमूनों की जांच ले रहा। अब यूपी आदित्यनाथ ने आज बैठक की, उसमें सख्त निर्देश दिया है कि ऐसे ढाबे, रेस्टोरेंट आदि जो खान पान के जो प्रतिष्ठान हैं उनकी सघन जांच की जाए, कर्मचारियों का वेरिफिकेशन की जाए, खान पान की चीजों की शुद्धता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम अवश्य संशोधन के निर्देश दिए गए। खान पान के केंद्रों को संचालन और मैनेजर आदि के नाम भी, मतलब पते भी डिस्प्ले होंगे। यानी अब जो खान पान की खबरें आ रही थी, थूक की खबरें और जूस में पेशाब की खबरें, इस तरह की जो खबरें उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आई, उसको योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि खान पान के केंद्रों पर साफ सफाई होनी चाहिए, ये भी सुनिश्चित किया जाए खाद की बातों के तैयार करने वाले जो सर्विस है उसके समय से व्यक्ति का मास्क और ग्लव्स का उपयोग करे, किसी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो, क्योंकि व्यक्ति के सम्मान और उसकी आस्था का विषय है। तो आप योगी सरकार अब इसको लेकर एकदम सख्त है कि किसी भी तरह की कोई भी अगर हिला हवाली होती है उसको कठोरतम सजा दी जाएगी। इसलिए आज जो बैठक हुई, महत्वपूर्ण जो था वो निर्देश दिया गया है कि प्रदेश के जो भी होटल हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं आदि, जब भी जो संबंधित प्रतिष्ठानों को गहन जांच, सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए गए। आम जनता जन को स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के नियम आवश्यकता अनुसार संशोधन के निर्देश दिए गए हैं। तो यानी अब योगी सरकार किसी भी तरह के कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है कि जिस तरह से खबरें निकल के आ रही हैं कि जिस तरह की तमाम छिटपुट घटनाएं आती, जूस कॉर्नर से लेकर थूक की रोटी को लेकर हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक सुनवाई के दौरान मैं ये बात कही थी कि यहाँ पे जो भी खोले जा रहे रेस्टोरेंट की शुद्धता एकदम ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की कोई भी थूक या जूस में किसी तरह की कोई भी मिलावट नहीं है। तो अब योगी अब इस चीज को समझ रहे हैं, तो जान रहे हैं कि जिस तरह से खबरें अन्य प्रदेशों से आई है, कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की तमाम खबरें आई, जूस, दाल, रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में मानव के जो भी थे गंदगी मिली, तो उसको अब ये घटना को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। अगर कोई भी रेस्टोरेंट, जूस कॉर्नर या आदि रेस्टोरेंटों में या प्रतिष्ठानों में इस तरह की कोई हरकत पाई गई तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एक टीम भी बनाई गई है और तमाम संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि सघन जांच की जाए, कर्मचारी का वेरिफिकेशन किया जाए, नाम डिस्प्ले किया जाए। यानी अब पूरा सेफ और या वेटर लगाना हो तो मास्क, ग्लव्स, ये तमाम तरह के एक जो भी नोटिफिकेशन है वो सरकार की ओर से जारी किया गया। तो योगी आदित्यनाथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है जिसमें की वस्तु में मानव अपिष्ट गंदगी चीजों की मिलावट करने वाले खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे देश की विभिन्न घटी ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए यानी आज मंगलवार को बैठक की गई, तो ये आप अपने आप की नजीर पेश करेगी। बिल्कुल, नजीर पेश करेगी। और बहुत शुक्रिया आपका अनुज, तमाम जानकारी के लिए।